गेहूं की फसल की बिजाई का समय शुरू हो गया है। ऐसे में किसानों को डीएपी की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हम जनपद उन्नाव की बात करें तो यहाँ साधन सहकारी समितियों में खाद नहीं है और जहाँ खाद है वहाँ कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दूसरी तरफ दुकानों पर जहाँ डीएपी है तो वो निजी कंपनियों की है, जिसके चलते किसान बाजार की तरफ भाग दौड़ कर रहे हैं। हालांकि कृषि विभागीय अधिकारियों का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों तक 2700 एमटी खाद उपलब्ध होगी। ऐसे में खाद मिलने तक किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन दिनों किसानों को गेहूं की बुआई के लिए डीएपी की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही जहां एक तरफ सहकारिता कर्मियों की हड़ताल होने की वजह से आधे से ज्यादा समितियों में काम ठप पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ खाद की उपलब्धता भी नहीं है, जिसके चलते किसान यहां लगातार चक्कर लगा रहे हैं। खाद दे रहे हैं बाहर वाले को दे रहे हैं, मतलब वहाँ के कन्नौज वाले, मतलब समझ नहीं पा कन्नौज वाले क्या कर, वो कन्नौज के दो तीन लोग आए थे, उनको दे दिया है खाद। कितनी खाद देती है? एक पिकअप कितनी थी, अब क्या जाने। आप कितने बजे से हैं यहाँ खड़े हैं? यहाँ हम नौ बजे से हैं। और इस समय कितना बज रहा है? बजे तो 3:30 चार मतलब सुबह 9 बजे से 4 बज गया। हाँ, आप लोग खाद नहीं मिली? हाँ, आधार कार्ड वापस दे रहे हैं, आधार कार्ड वापस दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहले कहा था, पहले कहते हैं 2-2 बोरी खाद देवे, आप नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपका हम नहीं दे रहे हैं, भाग भाग घूम रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे डीसीएम से लग के गए? हाँ, कन्नौज कर आए हैं, वही खाद लेके गए हैं। कितनी? अब हमें जो कुल लादी हो डी सी एम 50 बोरी गए हैं। 50 बोरी गए हैं? हाँ, अभी ये लोग 50 बोरी गए हैं कम से कम। एक तरफ जहां कृषि कानूनों को लेकर पिछले कई दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के कई जिलों में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। खाद न मिलने की वजह से सूबे के अन्नदाता काफी परेशान हैं और हालात ये हैं कि कई दिनों तक लाइन में लगने के बाद भी किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद मुहैया नहीं हो पा रहा। हम 2-3 दिन से चक्कर लगा, खाद ही नहीं यहाँ पर। खाद ना मिलने से? ना मिलने पे हमारी खेती जो है सब ऐसे पड़ी है, और उसके बाद जो ना ऐसे खेत बता जो तो ऐसे क्या जोतते हैं उसमें, जब बीजा खाद नहीं डालेंगे तो होएगा क्या? 1000 रुपये घंटा जुताई चल रही है, जो मैं खाद है और नहीं है तो कहाँ से डालने बताओ। तो कह दीजिए यहाँ चक्कर आप लगा रहे हैं, यहाँ तो रोज ही आते जाते हैं, अभी देख रहे खाद ही नहीं यहाँ पर, गोदाम में खाली है। अभी बारिश की वजह से जो है किसानों द्वारा बुआई इस बार जल्दी करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस वजह से ऐसी स्थिति थोड़ी बहुत बीच में उत्पन्न हुई थी, जो कि माननीय जिलाधिकारी महोदय के विशेष प्रयास से अभी 9 तारीख को जनपद में 2636 मीट्रिक टन इफ्को की DAP यूरिया उर्वरक जो है वो उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसका प्रेषण इफ्को ये AR कोऑपरेटिव के माध्यम से सहकारी समितियों के द्वारा वितरण कराया जा रहा है, और जो इफ्को के सेंटर्स हैं IFDC है, PCF के केंद्र हैं, उनके माध्यम से कराया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल केवल किसी एक जिले का नहीं है, इटावा, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, एटा, बांदा, मैनपुरी, कन्नौज, हमीरपुर और ललितपुर सहित तमाम जिलों में खाद के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं। खाद न मिलने की वजह से एक तरफ जहां फसलों की बुआई में देरी हो रही है, तो वहीं उनकी पहले से उगाई गई फसलों का भी नुकसान हो रहा है। पंजाब केसरी TV के लिए उन्नाव से विशाल चौहान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।